नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर दीपक प्रजापत है। मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट में मेट्रो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। और आज हम लोग जिस बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सीओपीडी। सीओपीडी का मतलब होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। सीओपीडी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को बोलते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि सांस की नली जो हमारी होती है उसके अंदर धुएं की वजह से परमानेंट डैमेज होने लगता है और अंदर सांस की नली में सूजन आने लगती है और कुछ लोगों के अंदर लंग्स के जो पैरेन्काइमा होती है, जो हमारा प्रॉपर लंग होता है, उसके अंदर भी डैमेज होने लगता है, जिसको हम एम्फिसीमा बोलते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली दो वैरायटी होती है, जिसमें एक वैरायटी होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरी होती है एम्फिसीमा, जिसके अंदर क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में सांस की नलियों के ऊपर असर आता है और एम्फिसीमा के अंदर लंग्स के अंदर डैमेज होता है। सीओपीडी जनरली स्मोकर्स के अंदर होता है, जो लोग धूम्रपान करते हैं, या फिर उन लोगों में होता है जो धूम्रपान करने वालों के साथ रहते हैं, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, या फिर उन लोगों में होता है जैसे कि चूल्हा स्मोक हुआ, चूल्हे के अंदर जो ईंधन यूज करते हैं, लकड़ियां यूज करते हैं या उपले यूज करते हैं, उसकी वजह से जो धुआं निकलता है उसके एक्सपोजर की वजह से भी सीओपीडी हो सकता है, या फिर जो हमारे पर्यावरण में जो धुआं बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, इसके एक्सपोजर की वजह से भी सीओपीडी हो सकता है। सीओपीडी के सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहला सिम्टम खांसी है, लंबे समय तक खांसी रहना, बलगम का बनना, सांस लेने में तकलीफ होना, छाती के अंदर जकड़न महसूस होना, ये कॉमन सिम्टम है जो सीओपीडी के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि किस समय पर ज्यादा सिम्टम होते हैं, तो जनरली सीओपीडी के पेशेंट्स में या तो सुबह के टाइम जब पेशेंट उठते हैं उस टाइम सिम्टम ज्यादा होते हैं, या फिर रात के समय जब पेशेंट सोते हैं उस टाइम पे सिम्टम ज्यादा होते हैं। सीओपीडी से बचने के लिए जो रामबाण है वो ये कि आप जितना बच सके धुएं से बचें। अब धुएं से बचने के कई सारे फार्मूले आप अपना सकते हैं। पहला तो यही कि आप धूम्रपान ना करें, दूसरा ये कि धूम्रपान करने वालों के साथ ना रहें, या फिर तीसरा ये कि जो हमारे इंडोर एयर पोल्यूशन होते हैं, जैसे कि हम अगरबत्ती यूज करते हैं, जो धूप बत्ती यूज करते हैं, घर के अंदर जो चूल्हा जलाते हैं, इन सब चीजों को अवॉइड करें। तीसरा चौथा ये कि पर्यावरण में अगर पॉल्यूशन ज्यादा है तो उस समय पर घर से बाहर ना निकलें, यदि निकल रहे हैं तो अपने प्रॉपर N95 मास्क का प्रयोग करें, और यदि पॉसिबल हो तो घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सीओपीडी बीमारी का इलाज दो तरीके से किया जाता है। पहला तरीका होता है कि फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो हम दवाइयों से करते हैं। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर इनहेलर्स का इस्तेमाल करते हैं हम। यदि पेशेंट को ज्यादा सिम्टम है तो कभी कभी नेबुलाइजर का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ रेमेडीज हैं, कुछ नॉर्मल टैबलेट्स होती हैं जो हम सांस की नली को खुला रखने के लिए दी जाती है, या फिर जो बलगम जिन लोगों में ज्यादा बनता है उसमें बलगम साफ करने के लिए जो दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनसे बलगम कम बने या फिर जो बन रहा है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए सांस की नली में से। इसके अलावा अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज एडवाइस की जाती हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दूसरा आपको कैसे अपने लंग्स को साफ रखना है उसके लिए कुछ फिजियोथेरेपी एडवाइस की जाती है, और कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जो कि लंग्स को साफ रखने में हेल्प करती हैं, उन डिवाइसेस का प्रॉपर तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है इसका आपको इसके बारे में आपको बताया जाता है। चौथी चीज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी सीओपीडी के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हम वैक्सीनेशन एडवाइस करते हैं, जो कि आने वाले इन्फेक्शन से शरीर को बचाएं, क्योंकि सीओपीडी के लंग्स बहुत कमजोर फेफड़े होते हैं, इनके ऊपर यदि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन लगता है तो वो जानलेवा भी हो सकता है, इसलिए प्रॉपर वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। बलगम बहुत ज्यादा है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है नॉर्मल बैठे बैठे भी, तो ये सारे कैंडिडेट होते हैं कि इनको इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बट इसके अलावा एक और ग्रुप होता है जिसमें आप
जब भी थोड़ा भी एग्जर्शन कर रहे हैं या आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, अगर आपको वॉकिंग पे या हल्की सी रनिंग पे सांस फूलने में, सांस लेने में तकलीफ हो रही है और आप इसके साथ में स्मोकर हैं, आप स्मोक करते हैं, बेशक आप लाइट स्मोकर हैं या आजकल आप देखते हैं कि शादी पार्टीज में लोग हुक्का स्मोक करते हैं, यदि आप उस तरीके का स्मोक भी करते हैं और आपको चलने में या दौड़ने में थोड़ा भी सांस फूल रहा है, तो ये लोग होते हैं जिनको जल्दी से जल्दी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि उनकी बीमारी को अर्ली स्टेज पे ही कंट्रोल किया जा सके। आप हम सभी जैसे जानते हैं कि जो ये बढ़ता हुआ धुआं है, इसके चलते आज हमने COPD के बारे में बात की। हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर हम जो धुएं से रिलेटेड बाकी बीमारियां हैं, जैसे कि ब्रोंकियल एस्थमा है, इंटरस्टीशियल लंग डिजीज है या लंग कैंसर है, इसके बारे में हम आने वाले अपने वीडियोस के अंदर डिटेल से आपको जानकारी देंगे।